दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 6, जिसकी डेट होगी 20 जुलाई 2021। यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट आएगा और यहाँ पर नेम ऑफ द क्लास टीचर। चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सब टॉपिक अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री पार्ट 1। वर्कशीट स्टार्ट होती है। हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। इट इज़ नॉट जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बट ऑल्सो helpful for us to live in present and build a better future. The events that have happened so far in history or the events related to it are described in chronological order, means according to the order of time of occurrence. In other words, history is the name of the specific events of human beings. These events and historical facts have been certified on the basis of evidence. World history is the study of major civilization during the last 3500 years. Is that clear? The history before written evidence is considered to be the prehistoric in which human civilization is divided into four parts. First four parts, primitive stone age. Primitive Stone Age is first part, and second part is Early Stone Age, third is Later Stone Age, and the fourth is Metal Age. Is that clear, my dear friends? आगे बढ़ते हैं। History is generally classified into three parts: Ancient History, Medieval History, and Modern History. जो history है वो तीन parts में divide की गई है। पहला है Ancient History, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, और मिडिल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमने पहले बात की है कि हिस्ट्री बिफोर रिटन एविडेंस से पहले की जो हिस्ट्री है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिक कहा जाता है, जिसमें सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स। जो सभ्यता है उसमें चार भागों में मानव सभ्यता को बांटा गया है। ठीक है, पहली कौन सी थी, प्रिमिटिव स्टोन एज थी, दूसरी है अर्ली स्टोन एज, तीसरी लेटर स्टोन एज, और चौथी कौन सी है, मेटल एज। ठीक है प्यारे साथियों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन सोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग द प्री हिस्टोरिक पीरियड आर स्टोन टूल्स, फॉसिल्स, पोएट्री, केव पेंटिंग्स, रिमेन्स ऑफ ज्वेलिंग, एंड इवन द गार्बेज हेल्प्स इन नोइंग अबाउट दैट एरा। द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, फोर्ट्स, बिल्डिंग्स, कॉइन्स, सील्स, भोजपत्र, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, कॉपर, इनग्रेव्स, इंस्क्रिप्शंस, एंशियंट टेक्स्ट एंड लिटरेचर। इसके बाद है अकाउंट्स ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रेवलर एटसेट्रा। ये सारे साक्ष्य हैं जिनसे हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। इसके बाद है, दीज आर द पिक्चर्स इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, ये सारी पिक्चर्स वो हैं जो एनसीईआरटी बुक से ली गई हैं, आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद पिक्चर्स, अर्धन पॉट एंड अदर रेलिक्स, केव पेंटिंग्स, ब्यूरियल ऑफ मैन विद रिमेन्स ऑफ गॉड, मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑन भोजपत्र, ये भी इसी प्रकार के आप साक्ष्य या आप सोर्स कह सकते हैं, ये भी सोर्स हैं। इसके बाद है, माय डियर फ्रेंड्स, डियर चिल्ड्रन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द चेंजेस हैपेंड इन योर फैमिली, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वर्क, फूड, वे ऑफ लिविंग ओवर द ईयर्स, रियली इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, आर प्रेजेंट कैन बी वेल अंडरस्टूड बाई ट्रेवलिंग थ्रू हिस्ट्री। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में जो भी था उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को देखते हैं, आंसर्स क्या हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन नंबर इज फर्स्ट इज व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री का जो महत्व है वो क्या है, हमें इसमें बताना है। चलिए आंसर्स को देखते हैं, इनके आंसर्स क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर वन, What is the importance of history? Answer क्या होगा इसका, History is a very important subject for humanity.
It is not just to know what happened in the past, but also helpful for us to live in present and build a better future. History क्या है? वह सिर्फ एक तो पहली बात कि history बहुत ज़्यादा important है, दूसरी बात कि history सिर्फ अतीत को जानने के लिए नहीं है, इतिहास मतलब अतीत के बारे में जानने के लिए नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ अतीत के बारे में जानने के लिए तो है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, ये इतिहास से कुछ ना कुछ सीख लेकर के अपने वर्तमान में जीने और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, बेहतर बनाने की सहायता करता है, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस रोल क्या है हिस्ट्री का? इंपॉर्टेंस रोल है कि इट इज़ नॉट ओनली जस्ट टू नो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट बट ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस टू लिव इन प्रेजेंट एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। इज दैट क्लियर माई डियर फ्रेंड्स? चलिए नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन विच पार्ट द पीरियड बिफोर द रिटन एविडेंस आर फाउंड हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू। ठीक है, उस पार्ट्स को पहली बात आपको याद रखना है कि वो कौन सा पार्ट है जिसमें जो रिटन एविडेंस मिले थे उससे पहले का जो पीरियड है उसको क्या कहते हैं, ये बात याद रखनी है, और उसके बाद उस पार्ट को कितने भागों में बांटा गया है इसको देख लेते हैं। तो आंसर होगा इसका द पीरियड बिफोर द रिटन एविडेंस आर फाउंड इज कॉल्ड प्रेहिस्टोरिक। ठीक है, जैसे हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, तो प्रेहिस्टोरिक इज डिवाइड अप, इस पार्ट को प्रेहिस्टोरिक को कितने भागों में बांटा गया है, इज डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट्स, चार भागों में बांटा गया है, एज इफ जैसे कि प्रिमिटिव स्टोन एज, अर्ली स्टोन एज, लेटर स्टोन एज और चौथा है मेटल एज। ठीक है, ये हमने वर्कशीट में बहुत अच्छे से देखा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ कैन यू फाइंड आउट अबाउट फूड एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ अ फैमिली फ्रॉम देयर गार्बेज। कचरे से आप किसी भी फैमिली के खाने पीने के हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, इसका हमें आंसर निकालना है। अब मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, बच्चों, हम सभी को पता है कि इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग सोच सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सोच सकता है, हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी सेंस पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह की थिंकिंग रखते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, उसी तरीके से आप आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक छोटा सा आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इफ़ देयर इज़ बोन्स इन द गार्बेज, अगर गार्बेज में हड्डियाँ होती हैं, सो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं दैट फैमिली इज नॉन वेजिटेरियन, कि वो फैमिली नॉन वेजिटेरियन है, मतलब मांस मच्छी खाती है। बट इफ़ नॉट सो, यदि ऐसा नहीं होता है, अगर गार्बेज में कुछ हड्डियाँ वगैरह हमें नहीं मिलती है, देन वी कैन से द फैमिली इज वेजिटेरियन, तो हम कह सकते हैं कि फैमिली क्या है, वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। ठीक है दोस्तों, यह आंसर मेरी तरफ से है, बाकी हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको गार्बेज को देख के पता चलता है किसी भी फैमिली के खाने पीने के बारे में, आदतों के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, ट्राई टू राइट योर फैमिली हिस्ट्री, अपनी फैमिली की इतिहास के बारे में लिखने की कोशिश करो। वेयर डिड योर एंसेस्टर्स लिव, आपके एंसेस्टर्स कहाँ रहते थे, ये आपको पता लगाना है, और दूसरा वाई दे लेफ्ट दैट प्लेस, और उन्होंने वो प्लेस क्यों छोड़ा। ठीक है, एंसेस्टर्स मतलब होता है प्यारे साथियों पूर्वज, आपके पूर्वज कहाँ रहते थे ये आपको पता लगाना है, और साथ ही साथ अगर वो वहाँ रहते थे और अब कहीं और रह रहे हैं तो उन्होंने वो प्लेस क्यों छोड़ा, क्योंकि आप अगर अभी दिल्ली में हो या कहीं और हो तो आपने अपनी पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थान पर क्यों आए, उनके रीजंस का पता लगाना है। अब इसके रीजंस तो आपकी फैमिली आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि इसका भी आंसर सबका अलग अलग होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पूर्वजों के नाम भी अलग अलग होंगे। आप अगर अपनी फैमिली में अपनी माता पिता से बात करते हो तो आपके दादा दादी, उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, कहीं ना उनका नाम सब अलग अलग होगा, और वह कहीं ना कहीं अलग अलग प्लेस से संबंधित होंगे। ठीक है, तो ये सभी का आंसर अलग अलग हो सकता है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यू हैव टू डिस्कस विद योर फैमिली, विद योर फादर एंड मदर, दे विल टेल यू द राइट आंसर, कि आपके एंसेस्टर्स कहाँ, आपके एंसेस्टर्स का नाम क्या था और वे कहाँ रहते थे और उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ी, इन सभी का रीज़न आपको बताना है और एक चार्ट बनाना है। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। थैंक यू।